आपके आप के साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। हाँ नहीं, हमें तो विजयनगर जाना है, हमें विजयनगर जाकर हीरे चाहिए, हमें नहीं मरना है। हाँ ये सब आपको यहाँ आने से पूर्व सोचना चाहिए था गुरुवर। वो सुना है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हमें घुन नहीं बनना है पंडित रामकृष्ण। क्या हुआ आप लोगों के चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? घबरा रहे हैं? अरे ना ना बीरबल, हम तो मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रणा। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना कि दो प्रकार के हीरे हैं, एक छोटे और एक बड़े। तो मैं गुरुवर से ये कह रहा था कि जहाँ बना के पूज्य पिताश्री की प्रतिमा के निर्माण हेतु इन्हें उत्कृष्ट हीरे ही प्रदान करें, और वैसे भी इतने पुण्य कार्य के लिए हीरों का विक्रय नहीं करना चाहिए। जहाँ अपना आपको जितने भी हीरे चाहिए आपको निशुल्क विजयनगर की ओर से भेंट कर दिए जाएंगे जी, जिससे आपके राज्य और विजयनगर के आपसी संबंध और भी मधुर और सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी, हीरे तो आप हमें दे देंगे, लेकिन उसके बदले में अगर आपको ये उम्मीद है कि हम बांध का पानी खोल देंगे तो माफ कीजिएगा, आपको ना उम्मीद होना पड़ेगा। इसलिए हीरो की कीमत ले लेना उचित होगा। बीरबल बीरबल बीरबल, हमारे पास हीरों की खदान है, खदान। हमारे लिए ये जल संकट कोई संकट ही नहीं है। देखिए, आपने हमारे पड़ोसी राज्यों को ये संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई भी हमें जल की सहायता ना करे, किंतु हमें तो किसी से भी कोई सहायता चाहिए भी नहीं। हमने तो दूर देशों से जल मंगवाया है हीरे देकर। कई सारे विशाल जलपोत समुद्री मार्ग से हमारे लिए जल लेकर बढ़ गए हैं, ताकि हम इतना जल संचित कर ले जितना वर्षा ऋतु के आने तक पर्याप्त हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमें इस विषय में ज्ञात क्यों नहीं? क्योंकि आप तो यहां आने के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना गुरुवर। हमें इतना शीघ्र विजयनगर से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें, और चाहिए तो अपना कोई जोहरी हमारे साथ भेज दे, उन्हें जितने भी हीरों की आवश्यकता होगी वो ले लेंगे। जी अपने पैर गोबर में नहीं डाले तो फिर गोबर स्वयं आपके पैरों से लिपट गया। अरे मेरा पांव भूल से गोबर में पड़ गया। अब तर्क वितर्क करना बंद कर और पानी लेकर आए इसे धोने के लिए। अम्मा पानी का अभाव है, थोड़ा कम उपयोग कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अम्मा आपने तो पूरे पानी पर गोबर फेर दिया। अब मेरा तात्पर्य है कि आपने पूरे पानी से गोबर धो दिया, अब घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या होगा? अरे तो तू क्या चाहती थी,
कि मैं अपने पाँव में गोबर लगाए घूमू। पानी को जिस कार्य के लिए उपयोग होना था वो हो गया। वैसे भी आज स्नान किसे करना था, अतः घर में पानी समाप्त हो गया तो भी कोई बात नहीं। चले प्रणाम। अब पंडित रामकृष्ण जी, अब क्या है, इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, जाने की इतनी जल्दी क्या है, हमें खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। आपके आने की खुशी में आज रात ही हम जलसे का इंतजाम करते हैं, जहाँ खान पान के साथ साथ नृत्य और संगीत का इंतजाम भी होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल, किंतु मेरा विजयनगर पहुंचना अति आवश्यक है। क्या है कि हीरों की खुदाई का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और मैं तो यहाँ बस जहाँपनाह को भेंट देने ही आया था। अरे ये पंडित रामकृष्णा भी ना, इन्हें क्या पता कि मुगलों की राग रागिनी ऐसी होती है जिन नर्तकियों के सामने मंदाकिनी भी कुछ नहीं। पंडित रामकृष्णा, अब देखो ना कितने प्रेम कितने आदर पूर्वक ये हमें यहाँ रुकने का आग्रह कर रहे हैं। हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। रामा, संकट का चलता फिरता अवतार है ये अवश्य ही फंसवाएंगे। नहीं नहीं गुरुवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका तो विजयनगर पहुंचना अति अनिवार्य है, क्योंकि आप तो विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ पार्की हैं। आप तो हीरों को देखते ही बता देते हैं कि हीरे मूल्यवान है या नहीं, अनमोल है या नहीं, बहुमूल्य है या नहीं। वो तो है, है ना, है ना? तो विजयनगर के बड़े बड़े हीरे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। हीरे, हीरे, नर्तकी। अगर किसी तरह से तथाचार्य जी यहाँ रुक जाएं, तो इनसे सच उगलवाना मुश्किल नहीं होगा कि सचमुच कृष्ण नदी में हीरे हैं या नहीं। हमने विचार कर लिया है जहांपनाह, हमने विचार कर लिया है कि हम आपके आग्रह को नहीं ठुकराएंगे। अरे वैसे कैसे नहीं जाएंगे, आपको मेरे साथ चलना होगा। हम नहीं जाएंगे। अगर ये रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। अब यही रुकेंगे? नहीं नहीं बीरबल, इन्हें मेरे साथ जाना ही होगा। नहीं नहीं, इन्हें रुकना होगा, इनका जाना अति आवश्यक है बीरबल। अरे इन्होंने हमारा मेहमान बनना स्वीकार किया है। चलिए ना गुरुवर। रुकिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे कंधे की हड्डी चटक गई है। देखिए जहांपनाह, त्रिशंकु की भांति हमारा कंधा अटक गया है, नीचे नहीं हो रहा है हमारा हाथ, हम क्या करें? गुरुवर, ऐसी हालत में तो आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। नहीं बीरबल, इनका विजयनगर पहुंचना अति आवश्यक है, वो राजवैद्य है ना, वो इनका उपचार कर देंगे। अरे सर्वश्रेष्ठ हकीम तो हमारे यहाँ भी है, राजवैद्य का उपचार इन पर अधिक फलता है। अरे पंडित रामकृष्णा, हम यहीं ठहरना चाहते हैं बस। जी गुरुवर। क्या है? पंडित रामकृष्णा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ हमारे प्राण संकट में है। अच्छा, जहाँ पना हमने विचार कर लिया है और हमने विचार किया है कि हम पंडित रामकृष्ण के साथ विजयनगर जाना चाहेंगे। हाँ।
जहां पना गजब हो गया, जहां पना गजब हो गया। क्या हुआ है? जहां पना आपके ख्यालगाह में रखी आपके हीरे से जड़ी पुश्तैनी शमशीर और मयान नहीं है। क्या? जिस भांति बिल्ली के भाग्य से दूध से भरी मटकी फूटती है उसी भांति मेरे भाग्य से आज प्रेम करने की घड़ी आई है जब ताता विजयनगर में है ही नहीं। इसे देखो निद्रा में मग्न है। भूमि पर तेल? हाँ तेल। आम्रपाली मुझे लगा था कि तुम भूमि पर पुष्प बिछाकर मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी पर तुमने तो तेल बिछा रखा है। हाँ हमने तेल इसीलिए बिछा रखा है कि तुम हमारे निकट ना आ सको। ये पगली तुम्हारे पिताश्री को चने के वृक्ष पर चढ़ाकर विजयनगर से भेजा ही इसलिए है कि तुम्हारे निकट आ सकूं और तुम? हाँ हाँ हम नहीं चाहते कि तुम हमारे निकट आओ भास्कर क्योंकि क्योंकि जल नहीं है ना। अरे तो मैं कौन सा जल का प्यासा हूँ? मैं तो प्रेम का प्यासा हूँ। अरे ओ प्रेम पुजारी तुम समझ नहीं रहे हो। अरे इसमें समझने जैसा क्या है? देखो अब तुम मुझे अपने निकट आने से नहीं रोक सकती। रुक जा हमारे निकट मत आना भास्कर जल नहीं हमने स्नान नहीं किया है। तो मैंने कौन सा स्नान किया है? अगर तुम्हें हमारे निकट आना है तो फिर तुम हमारे लिए जल का प्रबंध करके आओ। चांद सितारे मांग लेती तो संभवतः लेकर भी आता जल कहाँ से लाऊं? तुम्हें ज्ञात है संपूर्ण विजयनगर में जल है ही नहीं। अरे है? है? कहाँ? महारानी के महल में एक जल कुंड है उसमें उन्होंने ढेर सारा जल इकट्ठा कर रखा है। जाओ और हमारे लिए जल लेकर आओ। तुम्हें पता है महारानी ने जल कुंड के चारों ओर पहरा लगा रखा होगा। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं सुनना हम तुमसे भेंट नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे लिए जल नहीं लेकर आते। आम्रपाली सुनो तो। अरे अरे सुनो तो आम्रपाली। अरे सो गई। एक और प्रेम एक और जल करूं भी तो क्या करूं किंतु कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे खानदानी शमशीर और मया हमारे ख्वाबगाह से कहां जा सकती? जहां पना यकीनन किसी ने हीरो के लालच में उसे चुराने की गुस्ताखी की है। जहां पना लगता है ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हमारी खानदानी शमशीर चोरी हो जाए ये दुआ मांगी थी अपने अल्लाह ताला से? नहीं 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 जहां पना हमने तो ये दुआ मांगी थी कि कुछ ऐसा हो जाए और पंडित रामाकृष्ण जी को यहाँ से ना जाना पड़े। अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बात तो पूरा भारत जानता है कि जहाँ समस्या विकट वहीं रामा प्रकट। इन्हें रुकना है तो रुके हम तो बस यहाँ से विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? रुक जाइए रुक जाइए। पंडित रामकृष्ण जी अगर आप गुरुवर को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि जहां पना की हीरो से जड़ी शमशीर और मयान किसने चुराई। क्यों जहां पना? रामा बीरबल तेरा मित्र है या शत्रु ये तो तुझे फंसा रहा है। इसकी बातों में मत आना बहुत बुद्धिमान है ये। मुझे क्या थे बंधु? पंडित रामकृष्ण जी अब अगर आपने चोर का पता लगा लिया तब तो गुरुवर आपके साथ विजयनगर प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चोर का पता लगाने में असफल हुए तो तथाचार्य जी को यहीं रुकना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या? क्या? हाँ
आप यहीं रहेंगे और हमारे दरबार के नृत्य संगीत का लुत्फ उठाएंगे। हम जाएंगे, हमें जाने की अनुमति दीजिए, हम जाएंगे। रुक जाइए गुरुवर, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। अब तो आपका जाना पंडित रामकृष्ण पर निर्भर है। पंडित रामकृष्ण जी, कहिए क्या आपको ये चुनौती मंजूर है? पंडित रामकृष्ण, स्मरण रहे, यदि हम यहां से नहीं निकल पाए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हाँ। क्या करेंगे आप? ऐसी परिस्थिति में मुझे धमकाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है गुरुवर। अरे पंडित रामकृष्ण, आप तो हर बात का बुरा मान जाते हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि हम दोनों का यहाँ से निकलने में ही कल्याण होगा। उचित है, मुझे चुनौती स्वीकार है। अति शीघ्र चोर का पता भी चल जाएगा और मैं गुरुवर को अपने साथ लेकर प्रस्थान भी करूंगा। जहांपनाह, आपकी तलवार आपके कक्ष से चोरी की गई, इसका अर्थ ये है कि चोर वही है जो आपके कक्ष में निरंतर और बिना रोक टोक के आ जा सकता है। वो कोई दास और दासी भी हो सकती है। अतः आपके कक्ष में हर आने जाने वाला और आपके कक्ष के बाहर पहरा देने वाला हर दास और दासी को यहाँ उपस्थित करवाया जाए। चोरी किसने की, चोर कौन है, इसका पता मैं नहीं, अपितु मेरा एक मित्र लगाएगा। हम जानते थे पंडित रामकृष्ण, ये अवसर आप हमें ही देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपके विषय में बात ही नहीं कर रहा, वो मित्र कोई और है। और कौन है यहाँ पर आपका मित्र? है जहांपनाह, मैं अपने उस मित्र को अपने साथ यहाँ लाने की अनुमति चाहता हूँ। इस मित्र को लाने जा रहे हैं। ये आपने कैसी शर्त रखी है बीरबल? आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण कितने अकलमंद हैं, और अगर उन्होंने अपनी अकलमंदी से चोर को पकड़ लिया तो फिर वो विजयनगर के राजगुरु को लेकर यहां से चले जाएंगे, और फिर हम कैसे पता लगवाएंगे कि विजयनगर की नदी में हीरों की खान है या नहीं? जहांपनाह, इस बात में तो कोई शक नहीं कि पंडित रामकृष्ण बहुत ही अकलमंद, लेकिन ये विजयनगर नहीं है, यहाँ पर वो किसी को नहीं जानते। ऐसे में चोर को पकड़ पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन सोचने की बात तो ये है, अपने कौन से मित्र की बात कर रहे थे वो भी यहाँ? पंडित रामकृष्ण अपने किस मित्र को लाने चले गए? मानना पड़ेगा बीरबल महोदय को, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। युक्ति तो बहुत अच्छी लगाई है बीरबल ने पंडित रामकृष्ण को रोकने की, परंतु हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण भी कम नहीं है, श्वान लेकर आ गए।
देखते हैं इस बार किस युक्ति से पता लगाएंगे चोर का। आनंद तो अब आएगा दो मित्रों का बुद्धि युद्ध देखने में। पंडित रामकृष्ण, ये क्या हो रहा है? यही तो है मेरे मित्र जिन्हें लाने में गया था। अब ये श्वान हमारी नीति का निर्णय करेगा। विश्वास कीजिए गुरुवर, इस समस्या का समाधान यही करेंगे। इससे पूर्व भी इन्होंने कई विषयों को सुलझाया है। पंडित रामकृष्ण, हमने सुना था कि आप अकलमंद हैं, लेकिन आप तो मजाकिया निकले। जहां पना, हास परिहास की बात ही नहीं है। विश्वास कीजिए, मेरा मित्र ये श्वान कोई साधारण श्वान नहीं, अपितु एक जादुई श्वान है। यदि कोई प्यार से इसकी पीठ पर अपना हाथ फेरे तो ये उस मनुष्य का भूत भविष्य और वर्तमान सब ज्ञात कर लेता है। जिस प्रकार एक एक करके सभी दास और दासी अपना हाथ इसकी पीठ पर फेरेंगे और ये बता देगा कि चोर कौन है। अरे कैसी निरर्थक बातें कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा। यहाँ हमारी स्वतंत्रता दांव पर लगी है और आप एक श्वान से चोर का पता लगवा रहे हैं। हम भी देखते हैं कितना त्रिकालदर्शी है ये श्वान। यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। पंडित रामकृष्णा, अब देर किस बात की? पूछिए अपने इस दोस्त से कि चोर कौन है। जी जहाँ पना, मैं अभी भालू से पूछता हूँ। पंडित रामकृष्णा, आप श्वान को भालू कह रहे हैं? गुरुवर, मेरे मित्र का नाम भालू है। श्वान का नाम भालू कैसे हो सकता है? तो जहाँ पना, इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए कि तलवार की चोरी किसने की, हम भालू को समीप के कक्ष में रखेंगे। तत्पश्चात जितने भी दास दासी जो आपके कक्ष की स्वच्छता और रखरखाव करते हैं, वो एक एक करके अपना दाया हाथ भालू की पीठ पर फिराएंगे, जिनके स्पर्श से भालू को ये ज्ञात हो जाएगा कि चोर कौन है और मेरा मित्र उस विषय में मुझे बता देगा। चले मित्र, चलो। जहां पना, सत्य को ज्ञात करने का समय आ गया है। अब मैं अपने मित्र से वार्तालाप करके आपको ये बताऊंगा कि चोर कौन है। ये कैसे संभव है? श्वान बोलेगा? श्वान कभी बोल सकता है क्या? बोल सकता है गुरुवर, मैंने कहा ना, ये एक जादुई श्वान है। यदि आपके विषय में भी कुछ बताएगा तो आपको भी अवश्य बताऊंगा। जहां पना, चोर का पता चल गया है। मेरे मित्र ने मुझे बता दिया है कि चोर कौन है। अब जो चोर है वो स्वयं ही हमारे समक्ष आ जाए, अन्यथा मुझे उनके समीप जाना पड़ेगा। उचित है। आप सब अपने अपने हाथ आगे करें।
जहांपना, आपकी हीरो जड़ित तलवार और म्यान का चोर आपके समक्ष है। लेकिन ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जहांपना, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ ही नहीं अपितु प्रमाण के साथ भी सिद्ध कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो मित्र है वो कोई जादुई श्वान नहीं है, वो एक साधारण सा ही श्वान है। मैंने इसकी पीठ पर एक सुगंधित द्रव्य लगा दिया था। और एक बात, जो चोर नहीं होता उसे किसी का भय नहीं होता, तो हर वो मनुष्य जिसने चोरी नहीं की थी उसने इस श्वान की पीठ पर अपना हाथ फिराया मात्र उस मनुष्य के जिसने इस भय से कि कहीं सच में ये कोई जादुई श्वान हुआ तो वो उस चोर को पकड़ लेगा, उसने अपना हाथ इसकी पीठ पर नहीं फिराया। और वो मनुष्य है ये। मात्र इन्हीं के हाथों से उस सुगंधित द्रव्य की सुगंध नहीं आ रही जो बाकी सभी के हाथों से आ रही है। जहां बना मुझे माफ कर दीजिए। जहां बना मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि वक्त के साथ आपकी अकलमंदी कम नहीं हुई है, बल्कि अनुभव और ज्ञान का बेजोड़ संगम है आप में। जहां बना, आपने देखा सारा भारत ये क्यों कहता है, समस्या जहां विकट वहीं रामा प्रकट। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बीरबल, आशा करता हूं कि मेरे और गुरुवर के प्रस्थान करने पर अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? आज्ञा दे, जाकर हीरों का काम भी तो देखना है ना, क्या पता और भी खदानें मिल गई हो। जहां पना, हमें आज्ञा दीजिए। चलिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपसे माफी चाहते हैं। हवा, पंछी, नदियां, ये सब कुदरती चीजें, और इंसान को इन्हें रोकने का कोई हक नहीं। इसलिए हम बांध का पानी खोल देंगे। अरे नहीं नहीं जापना, अब हमें जल नहीं चाहिए, हमें तो हीरे चाहिए। क्यों गुरुवर, यदि जल शुरू हो गया तो हीरों का क्या होगा? हमें माफ कीजिए, हमें बांध खोलना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा जहांपना, आज्ञा दें। हाँ पना ने ये क्या कर दिया? सही सुना है तुम, कृष्णा नदी का पानी रोकने के लिए हमने जो उस पर बांध बनवाया था उसे खोल दो। जहां पना का इस्तकबाल सलामत रहे। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, बांध खोलने के फैसले से पहले आप सोच लीजिए, कहीं ये फैसला जल्दबाजी में किया गया फैसला तो नहीं। इस वक्त विजयनगर एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ताकतवर, और अगर नदी का पानी छोड़ने में हमने और देर कर दी तो नदी में मिले हीरो की खदान से विजयनगर इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इनके सामने हमारी भी कोई हस्ती नहीं बचेगी।
जहां पना। अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए जरूरी नहीं पंडित रामकृष्ण ने पानी में मिली हीरो की खदान के बारे में हमें जो कुछ भी कहा वो सच हो। अगर ऐसी बात है तो जब उनके सामने हमने पानी खोलने की पेशकश की तो उन्होंने इनकार क्यों कर दी? हुजूर, वो पंडित रामकृष्ण है, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से वो सोचना शुरू करते हैं। एक बार लोहे का जाल काटना आसान है, लेकिन पंडित रामकृष्ण का बुना हुआ जाल काटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन तो आपको भी समझना है बीरबल, कभी कभी आपको समझ कर भी समझ नहीं पाते। पहले आप बांध बनवाने के खिलाफ थे, आप बांध का पानी खोलने के खिलाफ हो गए, आखिर चाहते क्या हैं आप? हुजूर, पानी रोकने के खिलाफ तो मैं आज भी हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए सल्तनत की इज्जत है। मेरे होते हुए मैं ये कैसे देख सकता हूँ कि कोई और राज्य अपनी खुशहाली के लिए मेरे बादशाह के साथ छल करे। ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा हम मान लेते हैं, तो फिर इस बात का सबूत पेश कीजिएगा कि कृष्णा नदी में हीरों की खदान नहीं है। इस बात का सबूत पेश कीजिएगा कि पंडित रामकृष्ण ने जो कुछ भी कहा सब झूठ था, फरेब था। क्या हुआ बीरबल, जुबान पे खामोशी क्यों छा गई? जहां पना, हम ये वादा करते हैं, हम ये साबित करके दिखाएंगे, लेकिन आपसे भी एक इल्तिजा है, तब तक आप बांध का पानी खोलने नहीं देंगे। मंजूर है। आप देखना गुरुवर, वो दिन दूर नहीं जब महाराजा अकबर बांध का जल खोलने का आदेश देंगे और हमारी कृष्णा नदी पुनः जल से ओतप्रोत होगी। देखते, कृष्णा नदी में हीरों की खदान का भेद ना खुला है और ना ही खुलेगा। हीरो की खदान का भेद अब तो खुल के ही रहेगा। महाराजा अकबर को तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि ये सब मेरी चाल थी। शहंशाह अकबर के सामने आपकी चाल का पर्दाफाश हम करके ही रहेंगे। पंडित रामकृष्णा की, 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 मात्र पंडित रामकृष्ण की जय जयकार हो रही है, हमारी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे ये सब? पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण जी, अभिनंदन, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। आपके यहाँ आने से पूर्व ही हमें सूचना मिल गई है कि आपने महाराजा अकबर को बांध का जल खोलने के लिए मना लिया है। मानना ही था, महाराजा अकबर मानते कैसे नहीं महारानी? हम जो गए थे वहां पर, इसीलिए तो कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिले ना दोष। जब हम जैसा गुरु इनके साथ वहां गया था तो ये सब तो होना ही था। अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। इन्होंने वही सब महाराजा अकबर से कहा जो हमने इनको कहने के लिए कहा, और इन्होंने वही सब कुछ किया जो हमने इनको करने के लिए कहा। अतः महारानी, ये जो सफलता है इनकी अकेले की नहीं है। देखिए महारानी, देखिए ना आप, महाराजा अकबर को मनाने के चक्कर में हमारे हाथ तक अकड़ गए हैं। महारानी की जय हो। अभी अभी हमारा गुप्तचर महाराजा अकबर के राज्य से सूचना लेकर आया है कि महाराजा अकबर ने बांध का जल खोलने का आदेश। देखा, देखा, हमने कहा था ना, महाराजा अकबर ने बांध खोलने का आदेश दे दिया। नहीं, आदेश निरस्त कर दिया है। क्या
ये लीजिए, कर लीजिए बात। हमें तो पहले से ज्ञात था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, हम जानते थे, क्योंकि ये पंडित रामकृष्णा जो है ये अपनी चालाकी तो त्यागने वाले है नहीं। महारानी, इन्होंने वहां पर महाराजा अकबर से हमारे बिना एक बार मंत्रणा की थी। वो क्या मंत्रणा थी ये इन्होंने हमें नहीं बताया, और ये उसी का परिणाम है। पंडित रामकृष्णा जी, सुना आपने, महाराजा अकबर ने बांध का जल खोलने से मना कर दिया, क्या कहना है आपका इस पर? ये क्या कहेंगे, कुछ भी, इनकी तो बोलती बंद हो चुकी है। जी महारानी जी, हमने तो अपनी ओर से उन्हें जल खोलने हेतु मना लिया था, किंतु अवश्य ही बीरबल के कहने पर महाराजा अकबर ने यह निर्णय लिया होगा। बीरबल अत्यंत ही बुद्धिमान और चतुर है महारानी जी। पंडित रामकृष्ण जी, यहाँ राज्य में जल संकट और गहरा हो गया है, और आप बीरबल का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। महारानी, इस संकट से उबरने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग वार्तालाप से नहीं अपितु इस तलवार से निकलेगा। नहीं महारानी जी, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो क्या प्रजा को प्यास से मर जाने दें? महामात्य जी, आपका कथन उचित है, अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। महारानी जी, आप मुझे एक अंतिम अवसर प्रदान करें। भले ही बीरबल ने मेरा प्रयास असफल कर दिया है, किंतु मेरी युक्ति अभी भी असफल नहीं हुई है। मेरी युक्ति का एक अध्याय शेष है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, उन्हें जला की ये नहीं कि त्रुटि हो गई है तो क्षमा मांग ले। जी कहिए पंडित रामकृष्णा जी। किंतु पंडित रामकृष्णा जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि महाराज अकबर सत्य जानने के लिए यहां अवश्य आएंगे? जी महारानी जी, सत्य जानने के लिए वो दोनों वहां से प्रस्थान भी कर चुके होंगे। और कितनी दूर है बीरबल जी? ये देखिए झापना, हम विजयनगर के बहुत ही करीब है। बस ये कोई पहचान न ले कि आप शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। हमें गरीबों के भेस में रहकर ही ये पता लगाना होगा कि विजयनगर में खदान है या ये सिर्फ पंडित रामकृष्ण की चाल है। अगर ये उनकी एक तरकीब साबित होती है तो आप अच्छे से जानते हैं कि विजयनगर से कुछ ही कोस दूर हमारी फौज है, और जिसे विजयनगर पे हमला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जापना, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जो जंग अक्ल की ताकत से जीती जा सकती है उसके लिए फौज की क्या जरूरत है? आप यकीन मानिए, ये पंडित रामकृष्ण की कोई चाल ही है। अगर ये पंडित रामकृष्ण की चाल है तो इस चाल के एवज में उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा था ना हमने आपसे कि अब इन दो मित्रों का बुद्धि युद्ध देखने में आनंद आएगा। वैसे पंडित रामकृष्ण की युक्ति सराहना योग्य थी। क्या युक्ति लगाई है, किंतु बीरबल भी कम नहीं है। वो अपने मित्र को अच्छे से जानता है। इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे बीरबल। पंडित रामकृष्ण की युक्ति कार्य करते करते रह गई। अब देखना ये है कि महाराज अकबर और बीरबल क्या हीरों की सच्चाई का पता लगा पाएंगे।
अब और क्या युक्ति लगाएंगे पंडित रामाकृष्ण? मैंने जो युक्ति निकाली है उससे हमारा जल संकट अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैंने महाराजा अकबर से कहा है, आपने नदियों पर बांध बना दिया जिस कारण जल की आपूर्ति रुक गई, और जीवन में पहली बार विजयनगर की नदियाँ सूख गईं, जो आज तक कभी नहीं सूखी थी। और तब जाकर जहाँ पना ये ज्ञात हुआ कि उन सूखी नदियों के नीचे कच्चे हीरों की खान है। किंतु मेरी ये युक्ति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप सब मेरा साथ ना दें। क्या विजयनगर को जल संकट की आपदा से मुक्त कराने में आप सब मेरा साथ देंगे? आप बताइए पंडित रामाकृष्णा, हमें क्या करना है? देखिए, आप सभी को संपूर्ण विजयनगर में घूम घूम कर समस्त प्रजाजनों को ये सूचित करना है कि यदि उन्हें विजयनगर में आया हुआ कोई बाहरी व्यक्ति दिखाई दे और यदि वो व्यक्ति हमारे जल संकट के विषय में पूछे तो उससे यही कहना है कि विजयनगर में जल संकट तो है ही नहीं। अर्थात इन सबको झूठ बोलना है, है? आप सबको झूठ बोलना है। हाँ, आप में से कोई भी व्यथित या चिंतित कदापि दिखाई नहीं देना चाहिए, अपितु आपको देखकर लगना चाहिए कि सब अति प्रसन्न हैं, क्योंकि कृष्णा नदी में हीरे की खदान मिली है जिन हीरों के बदले में विजयनगर ने दूर देशों से जल मंगाकर प्रचुर मात्रा में संग्रहित कर लिया है। किंतु इसे जल संकट कैसे समाप्त होगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखिए। और अब बिना विलंब किए संपूर्ण विजयनगर में ये सूचना भेज दीजिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। पंडित रामाकृष्ण की जय! पंडित रामाकृष्ण की जय! पंडित रामाकृष्ण की जय! बस 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 कीजिए, जय जयकार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने कद्दू में तीर मार दिया। जाओ जाके अपना कार्य करो, जाओ। और आप महाशय पंडित रामाकृष्ण, आपको क्या लगता है संपूर्ण विजयनगर की प्रजा तक इतनी शीघ्र ये सूचना पहुंच जाएगी? इस विषय में भी मैंने सोच लिया है गुरुवर, किंतु आप ये बताइए कि आप इतने क्रोधित क्यों हैं? हमने आपको कितनी बार कहा कि अपने कुपुत्र को समझाइए कि हमारी भोली भाली पुत्री को मिलने के लिए हमारे आवास पर ना आया करे, किंतु आपने उसे एक बार भी समझाने की चेष्टा तक नहीं की। अरे अरे पंडित रामाकृष्ण रुकिए, अरे सुनिए, अरे कहाँ चल दिए? ओ पंडित रामाकृष्ण, अरे निकल गए। शारदा, शारदा, रामा, शारदा, रामा, शारदा, रामा, मुझे अचानक पीड़ा क्यों हो रही है शारदा? अम्मा रुक जाओ, अरे अम्मा क्या कर रहे हो? क्या अम्मेश्वरी, कुछ तो दया करो, तुम्हारा पुत्र इतनी लंबी यात्रा करके आया है और उसका स्वागत लड्डू से करने के स्थान पर उसे डंडे खिला रही हो तुम। उठा लो। क्या उठा लूं? अपने चेहरे से भोलेपन का नकाब उठा लीजिए, क्योंकि हमें सब ज्ञात हो गया है। क्या ज्ञात हो गया है? यही कि अकबर के दरबार में क्या हुआ, फिर विजयनगर में क्या हुआ। तेरी युक्ति असफल हुई, कृष्णा नदी में अब तक पानी नहीं आया, ना कटा दे नाला है। शब्द हमारे, किंतु विचार तो अम्मा के है ना। देखो अम्मा, मेरी युक्ति असफल नहीं हुई है, बस थोड़ा समय लग रहा है। तुम्हारी कृष्ण नदी में जल अवश्य आएगा, हाँ, और जल संकट से सबको मुक्ति भी मिलेगी, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। कार्य पूर्ण अवश्य करना, अन्यथा इस घर में कदम नहीं रखना। हाँ हाँ हाँ, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये तो बताओ तुम्हारा सुपुत्र कहाँ है? क्यों, आप उसके लिए कुछ लेके आए? क्या देंगे उसे?
दंड दंड दूंगा मैं उसे। मेरे पोते को हाथ भी नहीं लगाना। वाह, सब कुछ तुम्हारा पोता ही है ना, मैं तो कुछ भी नहीं। कभी अपने पुत्र के विषय में भी विचार कर लिया करो। परंतु उसने किया क्या है? उसने जो किया है ना, उसके विषय में मैं उसी से बात करूंगा। पता है गुरुवर उलाहना दे रहे थे मुझे उसके बारे में। उलाहना? मेरा पुत्र तो इतना भोला है। भोला है, उसका भोलापन कुछ अधिक नहीं बढ़ गया? कहाँ है वो, बुला उसे। भास्कर, भास्कर, वो अब घर पे नहीं, वो तो अब तक आया ही नहीं है। अपने घर पर आने का समय कहाँ है उसके पास, वो तो वहाँ। कुछ नहीं, जैसे वो आए उसे मेरे पास भेजना, उससे अत्यंत आवश्यक बात करनी है मुझे। हाँ। अरे ये आप कहाँ जा रहे? एक विशेष कार्य से जा रहा हूँ, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, देख कर आता हूँ उन्हें कुछ कष्ट तो नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहांपनाह, ये सच जानने के लिए कि विजयनगर में हीरो की खदान मिली है या नहीं, हमें किसी ऐसे शख्स से पूछताछ करनी होगी जिसे हम पर बिल्कुल भी शक ना हो। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लो बाबा, भोजन ग्रहण कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे पता नहीं था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनिए, वो हम ये क्या? वो हम ये क्या? नहीं 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 नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, ये रखिए। हम तो आपको स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। ओहो, स्वर्ण मुद्राएं! वेशभूषा से तो निर्धन मनुष्य जान पड़ते हो। स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? कैसे आई, किसने दी? सत्य कहो, चोरी की है ना तुम दोनों ने? वैसे दिखने में चोर जैसे ही लग रहे हो। शांति, चोर नहीं है, साहूकार हैं हम। ऐसे निर्धन वाले वस्त्र इसलिए पहने हैं ताकि किसी को ज्ञात ना हो कि हमारे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं। किंतु ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे क्यों दे रहे हो? हम आपसे एक सूचना चाहते हैं। सूचना? कैसी सूचना? बताते हैं, हम लोग हीरों के व्यापारी हैं। हमें ये खबर मिली है कि विजयनगर में कृष्णा नदी में हीरों की खदान मिली है, क्या ये बात सत्य है? सुनिए, सत्य तो बताकर जाइए। सुनिए, किसी से कहिएगा मत ना कि सच में हीरे की खदान मिली है। अच्छा, फिर तो तुम्हें तुरंत हीरों की बिक्री करनी चाहिए ताकि विजयनगर जल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जल संकट पहले था, किंतु अब नहीं है, क्योंकि जल संकट के कारण ही तो सूखी पड़ी हुई कृष्णा नदी में हीरों की खदान मिली है। अब हम उन्हें दूसरे देशों को देकर उनसे जल मंगवाते हैं, मंगवाते ही जा रहे हैं। अब जल संकट हुआ है समाप्त, जब से हीरे हुए हैं प्राप्त। अब तो इतना जल है कि हम दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु कह रहा हूँ। क्या? वो जो दिल्ली में बैठा है ना। कौन? मुगल बादशाह अकबर, सब उसकी मूर्खता है। ऐसा क्या किया उन्होंने? अरे, उसने बांध बनवा कर दक्षिण की ओर से आने वाली सारी नदियों का जल रोक दिया। अब सोचो तो सोचो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हमें कैसे ज्ञात होता कि कृष्णा नदी के नीचे हीरे की खदान है? आ? आ?
अच्छा अब मैं चलता हूँ। चापना चापना अंजर अंदर रख दीजिए खुदा के लिए, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है। बीरबल जी आपने सुना ये आदमी क्या बोलकर गया है? विजयनगर के लोग हमको अहमक समझते हैं। चापना चापना ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे सत्य का पता ही ना हो, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें तफ्तीश करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन अब हम ये गरीबों के लिबास में और नहीं रह सकते। ये हमारी बेइज्जती का सबब बन रहा है। हम पहले भी ऐसे लिबास में अपनी रियासत का हाल चाल पूछने के लिए निकले, लेकिन कभी हमारी बेइज्जती नहीं हुई। चापना कुछ देर और, कुछ देर और। ए, जितना प्रयास कर लो बीरबल, किंतु मैं तुम्हें हीरो का सत्य ज्ञात नहीं होने दूंगा। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। क्या हुआ तत्थू, पीड़ा कम हुई? सिकाई तो अति उत्तम कर रही हो, परंतु ये हमारी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही? गुरुजी हमारे पास एक उपाय है जिससे आपके अकड़े हुए हाथ आगे हो जाएंगे। अरे तुम मूर्खों विचार क्या कर रहे हो खड़े खड़े? मंद बुद्धियों को उपाय आया है, उपाय आया है तो उपाय करो। नेक काम में देरी किस बात की, शुरू कर धनी। पुरस्कार के योग्य कर दिया। अरे ये क्या कर दिया? गुरुजी आपने जो कहा था हमने तो वही किया। आपके हाथ आगे हो गए गुरुजी। अरे मूर्खो, हे भगवान हमने क्या पाप किए थे? क्या सभी मूर्ख हमारे जीवन में ही आने थे? दो तो यहाँ है और एक मूर्ख वो पंडित रामाकृष्णा, जिसके कारण हमारी ये दुर्गति हुई है। अब बस में करो तत्थू, जो होना था वो हो चुका है। अब पंडित रामाकृष्णा को कोस के क्या लाभ? मुझे ये बताइए, जब आप महाराजा अकबर के दरबार पहुँचे तो वहाँ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा तेज, हमारा व्यक्तित्व देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, हमारा अभिवादन करने लगे। तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इजाजत पंडित रामकृष्णा के लिए मिली है, किसी दास के लिए नहीं। हमारा स्वागत करने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे, वो हमारे समक्ष झुकने लगे। हमने कहा ना 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 महाराज, ऐसा मत कीजिए। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर हमारी प्रशंसा में मधुर मधुर वचन कहने लगे। तुम हम पे हमला करने आए हो क्या? पकड़ लो इसको। हाँ मंदाकिनी देवी जी, उसके बाद गुरुजी की निद्रा खुल गई। हाँ, क्या कहा? हाँ, और ये जो सारी बातें कह रहे ना, ये सारी स्वप्न की बातें। हाँ, हमारे गुरुजी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मिट्ठू पे मिट्ठू बन रहे हैं हमारे गुरुजी तो। चुप रहो तुम। नहीं, तुम दोनों कहो क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि जब हमारे गुरुजी महाराज अकबर के दरबार में पहुंचे ना, तो इनको उन्होंने पंडित रामकृष्ण का सेवक समझ लिया और महाराज अकबर ने इनका अपमान किया, सम्मान तो किया ही नहीं। और हाँ, सैनिक इनके पीछे भागे थे, किंतु इन्हें पकड़ने के लिए, इनके प्राण लेने के लिए। तत्थू सच सच कहो, क्या ये दोनों सत्य कह रहे हैं? नहीं नहीं मंदू, ये दोनों असत्य कह रहे हैं। हमारी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम ना तत्थू बस इसी के। अरे मंदू रुको, मंदू हमारी बात को समझने का प्रयास करो। मंदू रुको। गुरुजी मंदू तो चली गई। ये क्या? अरे मूर्खो गधा, ये क्या? पूरी की पूरी पोटली दी थी उन्होंने तुम्हें, कहाँ है पोटली? लाओ लाओ लाओ। हाँ किलो, तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं। किंतु बात तो 5 स्वर्ण मुद्राओं की हुई थी। हाँ हुई थी, किंतु वहाँ जो अति अभिनय किया उसका क्या? इतनी नाटक किया था? बाल नाटक में कार्य करते थे क्या पहले? इसलिए 1 स्वर्ण मुद्राएं काट ली,
वैसे भी इस समय निर्धनों को इसकी अधिक आवश्यकता है, ये भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। एक कार्य करो, ये भी उन्हें दे देना। पंडित रामाकृष्णा जी, किंतु आपको इतना विश्वास कैसे था कि बीरबल जी महाराज अकबर के साथ विजयनगर में पधारे हैं? सिंह को बुलाने के लिए बकरी बांधनी पड़ती है, उसके पश्चात बकरी की खोज में सिंह अवश्य आता है। इसलिए मैंने भी एक युक्ति चली। मुझे ज्ञात था कि महाराजा अकबर और बीरबल मेरे पीछे पीछे विजयनगर अवश्य आएंगे। और फिर गुप्तचरों ने भी बताया कि विजयनगर की सीमा पर उन्हें देखा गया है। जिन हीरों का सत्य ज्ञात करने वो दोनों यहाँ आए हैं, उन हीरों का रहस्य मैं कभी उनके समक्ष उजागर नहीं होने दूंगा। बीरबल जी अपनी रियासत से इतना दूर हम आए किसकी वजह से? हमारी वजह से। जहां पर यहाँ के पता चलता है कि हीरे की खदान तो है, लेकिन फिर भी हम इतनी गफलत में रहे, किसकी वजह से? हमारी वजह से जहां बना, लेकिन अब भी हम यही कहेंगे कि हीरो की खदान है ही नहीं। बीरबल जी, हमारे दादा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि चिकने घड़े पे कितना भी पानी डाल लो, घड़े पे पानी का कोई असर नहीं होता। जैसे कि आप खुद अपने कानों से सुनते आ रहे हैं कि हीरे की खदान है, फिर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा। गुस्ताखी माफ हो जहां बना, लेकिन हमारे नाना हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे, सुनी सुनाई ना सुने, जितने मुंह उतनी बात, जब तक आंख से देख ना लो ना करो विश्वास। मतलब जहां पना, आप किसी एक आदमी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो या उसे सच की मालूमात ही ना हो। आप एक मौका दीजिए मुझे जहां पना, मैं ये साबित करके रहूंगा कि विजयनगर में कोई हीरो की खदान है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पंडित रामकृष्ण की चाल है। यदि तुमने मुगलिया परचम की सौगंध खाई है बीरबल, तो मैं भी अपने विजयनगर के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सौगंध खाता हूं कि तुम सिद्ध ही नहीं कर पाओगे कि हीरे की खदान नहीं है। अब से अपने अपने राज्य के सम्मान की रक्षा का ये महायुद्ध तुम्हारे और मेरे बीच प्रारंभ होता है। समझ गए ना क्या करना है? जी। ध्यान रहे, उन्हें तनिक भी तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना। जहां बना, हो ना हो ये पंडित रामकृष्ण का ही आदमी है। लगता है उन्हें पहले से ही पता था कि हम लोग खदान का सत्य जानने यहाँ पर जरूर आएंगे। पंडित रामकृष्ण, आप जाल बुनते जाइए और हम जाल काटते जाएंगे। हम ये साबित करके ही रहेंगे कि विजयनगर में कोई हीरो की खदान नहीं है। बीरबल जी, आपकी जिद हमें यहाँ विजयनगर तक लाई है। अल्लाह जाने आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी बात सुनिए, अब हम दोनों को यहाँ से लौट जाना चाहिए। जो साबित होना था साबित हो चुका है, हीरो की खदान विजयनगर में है। जहां पना, यहां तक आ ही गए हैं तो ठीक, चलिए। शुक्रिया, आइए जना भाई। मैं जानता था बीरबल, तुम आसानी से हार नहीं मानोगे, किंतु बात जब मेरे विजयनगर की आती है तो मेरे लिए क्या मित्र और क्या शत्रु। हमारे मित्र का अनुमान एकदम सही निकला और भेष बदलकर महाराज अकबर और बीरबल आ ही गए विजयनगर, ये पता लगाने के लिए कि हीरों की खदान सच में है या नहीं। किंतु हमारे परम मित्र पंडित रामकृष्ण भी इतनी आसानी से इस बात का पता चलने नहीं देंगे।
तो एक तरफ हमारे मित्र का बुद्धि कौशल और दूसरी ओर उनके मित्र बीरबल का चातुर्य। देखते हैं दोनों में से कौन किसे पटखनी देता है। अचरज है, अभी तक नहीं आया। अचरज है, अभी तक नहीं आया। कब आएगा? कब आएगा? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि भास्कर अभी तक नहीं आया, कब आएगा? और मैं ये पूछ रही हूँ कि पानी अब तक नहीं आया, कब आएगा? पानी के बिना घड़ा और गला दोनों सूख गए हैं। आएगा माँ, आएगा, पानी भी अवश्य आएगा। अच्छा सुनो, आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए वेन पोंगल, पुत्तू, पेसरत्तू, अपम, पुसरेत्तू, बड़े सब बनाऊंगा। बस 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 बस, ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सच? हाँ, हमारे मुंह में भी। और ये अम्मा नहीं, हम कह रहे हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, पानी आएगा, अवश्य आएगा। कैसे हम सबके मुंह में पानी आ गया। निर्लज्ज अपनी माँ से उपहास करता है। नहीं नहीं, अरे रुक, अरे रुक, अरे मार मत, अरे अम्मा लग जाएगी, अरे अम्मा लग रही है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ अम्मा। अरे ये क्या, पंडित रामकृष्ण जैसे महापुरुष का भी घर में ये हाल है? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? कभी तेरी माँ ने तुझे मारा नहीं है क्या? पंडित रामकृष्ण की जय हो। वो जय बोल रहे है, अब तो छोड़ दो। बताओ तो क्या सोचना है? पंडित रामकृष्ण, क्षमा चाहता हूँ, किंतु वो दोनों मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। क्या ओझल हो गए? हे भगवान, कहीं प्रजा में से किसी ने उन्हें सत्य बता दिया कि नदी में से हीरे की खदान मिली ही नहीं है, तो क्या होगा? हे, कहाँ जा सकते हैं दोनों, कहाँ जा सकते हैं? हाँ, एक स्थान है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अरे आप कहाँ जा रहे? बताया था ना, विशेष अतिथि आए हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। हाँ, किंतु पानी, वेन पोंगल, पुत्तू, पेसरत्तू, अप्पम, उत्तपम, बड़े, देखा कैसे हम सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल अभी तक इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि यहाँ की नदी में हीरे की खदान है या नहीं। इसके मुतल्लिक आपके दादा हुजूर कुछ नहीं कहते थे? झापना, इसके मुतल्लिक हमारे मामा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि अगर भीतर जाने का रास्ता दरवाजे से ना मिले तो खिड़की तलाशनी चाहिए। हमारे चाचा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे कि अगर घर के दरवाजे बंद हो तो खिड़कियों से क्या उम्मीद रखे। वाह वाह, बहुत जहीन थे आपके चाचा हुजूर। वैसे कहां से तालीम ली थी उन्होंने? बस वहीं से जहां से आपके मामा हुजूर ने ली थी। जहां बना, वैसे तो वाजिब फरमाते थे वो, लेकिन अभी आप देखिए कैसे उस घर में दाखिल हुआ जाता है जहां हर रास्ते से पर्दा फाश हो जाएगा। वो देखिए, आइए झापना। जय हो, जय हो। दूर 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 हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। हट जावे है। अरे हम ना हुए कोई सरकारी धर्मशाला हो गए, जिसे देखो गले पड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सब उस धूर्त पंडित रामकृष्ण और कपटी बीरबल के कारण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जन्म में हमारे हाथ सीधे होंगे ही नहीं। बस अभी ठीक कर देवे है। वैद्य हो, व्यापारी है,
व्यापारी होकर हमारे हाथ कैसे ठीक करोगे तुम? क्यों नहीं तो यूं ठीक कर देवे हैं हम, ऐसे ठीक होवे हैं, देखते जाइए। सिक्के से हमारा उपचार करोगे? अगर ये स्वर्ण मुद्रा नीचे गिरने से पहले आपने पकड़ ली तो आपकी हो जावे है। हमारी हो जाएगी। देखो ये उछली। ये क्या किया तुमने? मारी मुद्रा थी, मैंने रख ली। उपचार के बाद दवाई की तो कोई जरूरत ना होवे है ना? गुरुजी, अपने हाथों को ध्यान से देखिए, आपके हाथ तो ठीक हो गए। गुरुजी, अब आपको वैद्य जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव, यदि आप चार आने भी उछाल देते तो हमारे गुरुजी इतने लालची हैं कि वैसे ही ठीक हो जाते। ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपके आभारी आभारी। वैसे आप लोग कौन हैं? कहाँ ना व्यापारी हैं। हमारे कान में एक बात पड़ी है कि विजयनगर दक्षिण का सर्वाधिक संपन्न राज्य बनने वाला है। हाँ, तो हमारे को एक विचार आवे है कि क्यों ना हम हमारा धन भूमि क्रय में यहाँ निवेश करें। बस एक चोखा मानुष मिल जाए जो हमें भूमि दिला दे, धन की कोई कमी ना होवे है हमारे पास। पंडित रामाकृष्णा की युक्ति भले जैसी भी हो किंतु हम उससे लाभ उठा सकते हैं। धन अर्जित करने का ये सुअवसर चूकना नहीं चाहिए। सत्य कहा आपने। हाँ, आप चिंतित मत हो, हम आपको उचित दाम में उपयुक्त स्थान पर भूमि दिलवा देंगे। आप दिलवाएंगे? देखिए, हमारा भूमि का क्रय विक्रय करने का व्यवसाय है। देखिए महोदय, अभी संध्या हो चुकी है तो अभी नहीं है, कल प्रातः आप यहीं पर आ जाइए, हमसे भेंट कीजिए, हम आपका कार्य करवा देंगे। प्रातः का? हाँ, आवश्यक बात तो हम भूल ही गए। इसके फल स्वरूप हम आपसे मात्र 500 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। खिड़की खुल रही है। खिड़की? कुछ कहा आपने? वो हमारे स्वामी से विचार विमर्श कर रहे थे हम। कीजिए कीजिए कीजिए। वो व्यापारी है ना? बहुत धन है इनके पास। घनी दूर से आवे हैं, कल फिर से लौटने में कष्ट हो जावे है ना? यदि आज रात को यहाँ रुकने के लिए किसी अतिथि गृह की व्यवस्था हो जाए तो काम हो जावे। हाँ है, है? अरे हमारे निवास पर ही तो अतिथि गृह है। आपके निवास स्थान पे? हाँ, वहीं रहिए आप। और हाँ, मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में कक्षा आपको मिल जाएगा और भोजन निःशुल्क। ठीक है, हम रात आपके यहाँ गुजार लेंगे ताकि सुकून से सो सके। ये किस भाषा का प्रयोग किया आपने? व्यापारी है ना, नगर नगर भ्रमण करते रहे हैं, इसलिए कोस कोस का पानी, कोस कोस की वाणी, यही भाग्य है हमारा। हाँ, चले अवश्य आइए हमारे पीछे पीछे। ये सब ठीक है, सब ठीक है। शिव 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 शिव। हे भगवान, आज जल के अभाव में आम्रपाली स्नान नहीं कर पाई, स्नान नहीं कर पाई तो रसोई में नहीं आ पाई, अब रसोई में नहीं आई तो भोजन नहीं पका पाई, उसने भोजन नहीं पकाया तो आज हमें स्वयं अपने हाथों से ये भोजन पकाना पड़ा। न जाने कैसा बना होगा, ज्ञात नहीं। हमारी लाज रख लेना है। हाँ। आहा, आहा,
क्या सुगंध आ रही है धनी, क्या सुगंध आ रही है, आज तो आनंद आ जाएगा। आनंद तो आएगा ही मनी, आज सुबह ही मैंने अपनी कुंडली को देखा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि आज धनी मनी को अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी, यही तो है वो भोजन। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने कुंडली ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ी। उसमें ये भी तो लिखा था कि आज तुम दोनों को भोजन में अत्र और मात्र पिटाई ही ग्रहण होगी। अरे चेहरो तुम्हारा, अरे गुरुजी ये कह रहा है गुरुजी, लगे लगे कि गुरुजी लगे कि लगे लगे भागो यहाँ से। किंतु भोजन तो कराइए। अरे दुष्टों, भोजन उन व्यापारियों के लिए है जो हमारे अतिथि हैं। भागो यहाँ से, वो आते ही होंगे। भागो यहाँ से। अरे पधारिए पधारिए पधारिए, स्वागत 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 है आप दोनों का। विरा जी, गर्मा गर्म भोजन तैयार। सुगंध तो घनी चोखी आवे है। ये आपके लिए है। ये क्या है? मारे यहाँ परंपरा है, किसी के भी आवाज पर अतिथि बनकर जावे हैं तो खाली हाथ ना जावे हैं। भेंट आपके लिए खास। अब भेंट तो हम कभी भी स्वीकार कर लेंगे। किंतु ये है क्या? हमारे प्रदेश की प्रसिद्ध ठंडाई भोजन के पहले आपको पिलाना चाहते हैं। धन्य हो भाग हमारे जो हम यहाँ पधारे। लाइए लाइए, हमें भी इसका रसा स्वादन कराइए। रसा तो कराइए। मार दिया। क्षमा कीजिए, ये हमारा इनके प्रति प्यार है। क्या है कि ये दोनों हमारे मुंह लगे सेवक, तभी दोनों ठंडाई को मुंह लगाना चाहे हैं। लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए। पसंद आया? उत्तम। वाह वाह वाह, आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है। इधर भी डाल दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा ही डाल दीजिए। महोदय, क्या चमत्कार है आपकी इस ठंडाई में। इसे पीते ही हमारी गुरुजी की तो भाव भंगिमाएं परिवर्तित हो गई है। इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा, वरना तथाचार्य जी से सत्य नहीं उगलवा पाएंगे। जा! है, क्या हुआ? आप दोनों इनके सेवक हो, इनके बारे में ऐसा कहते हुए शर्म ना आवे है। क्या कह दिया ऐसा? क्या कहा इन दोनों ने हमारे विषय में? ना ना ना, रहने दीजिए, हम कह ना पाएंगे। नहीं नहीं, आप कहिए। ना ना, रहने दीजिए, आप सुन नहीं पाएंगे। हम नहीं सुन पाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे, फिर भी आप कहिए। आप इतना कह रहे हैं तो कान यहाँ लाइए। इनका इतना तो साहस, छोड़ेंगे नहीं हमें। अरे मूर्खो, हमारे विषय में ऐसा कहते हो, अभी बताते हैं। भाग जाओ यहाँ से। शांत शांत तथाचार्य जी, शांत। ये लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए।
ये थोड़ी और हो जाए उसके पश्चात हम भोजन का आनंद लेंगे। अवश्य अवश्य। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हृदय आनंदित होकर पक्षी की भांति उड़ना चाहता है। उड़िए उड़िए। अरे क्या आनंद लाया। इसी बात पर हम आप दोनों का चुंबन लेना चाहते हैं। अरे खड़े होकर चुंबन देने की क्या आवश्यकता है, बैठे बैठे भी दे सकते। चलिए कोई बात नहीं, हम खड़े होकर चुंबन ले लेते हैं। आप वहीं से दे दीजिए, हम यहीं से ले लेंगे। तो यहीं से दे देते हैं और यहीं से ले लीजिए। गणी खम्मा गणी खम्मा। बीरबल जी, शरबत में नशे की दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी है आपने। जहां पना, लेकिन सच उगलवाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लीजिए आनंद लीजिए आनंद लीजिए। अब कारोबार की बात कर लें। हैं? किसकी? व्यापार की। नहीं, पहले आप हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछिए। आपको ये सूचना कहां से प्राप्त हुई कि विजयनगर जो है वो दक्षिण का सबसे संपन्न राज्य बनने वाला है? ये तो आपको बताना ही होगा। है ईश्वर, प्रतीत होता है इस बीरबल ने गुरुवर को कोई मादक द्रव्य पिला दिया है। अरे कहीं ये सत्य ना कह दे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्षमा करना गुरुवर, किंतु मुझे आपको मूर्छित करना पड़ेगा। हमको पता चला है कि थारे यहाँ कृष्णा नदी में हीरे की खदान मिली से। हमारा सोचना सही था कि हीरो की खदान के विषय में पता चलने के पश्चात ही आप दोनों यहाँ पर धन निवेश करने के लिए आए। जी जी, लेकिन क्या ये सत्य है कि नदी में हीरो की खदान है? सत्य सत्य है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? क्या हमसे अधिक और कोई नहीं जानता। के है सत्य? सत्य ये है कि ये जो के है रोज अब आपका मूर्छित होना तय है। बताया नहीं हमने सत्य? हम बता देते हैं। सत्य ये है कि जो वो खदान है वो के है। अरे सत्य ये है कि ये के है। अरे छोड़ो सत्य। तीन तीन। अरे क्या भी तीन तीन। सत्य ये है कि तथा जा रहे जी, हम अभी चोर को देख कर आए हैं। हम थारे साथ आते हैं जी। गुरुवर, सत्य ये है कि कृष्णा नदी में कोई हीरे की खान है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे पंडित रामकृष्णा, आप यहाँ? मैं यहाँ और आप लुटिया डुबो के मानेंगे। ये लीजिए लीजिए पीजिए। पंडित
पंडित रामाकृष्ण यहाँ? कहीं ये हमें पहचान न ले। हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण ने अपने मित्र बीरबल को चकमा तो दे दिया, किंतु बीरबल भी कहां मानने वाले थे। महाराज अकबर के साथ व्यापारी का भेष धरकर पहुंच गए गुरुवर के निवास पर। अब देखना ये है कि क्या हीरों की खदान का सत्य हमारे मित्र के मित्र बीरबल राजगुरु से उगलवा लेंगे, या हमारे मित्र पुनः ये बाजी पलट देंगे।